सभी भाइयों को राम राम। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो रहने वाली है बड़ी खास। आज हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराने वाले हैं, कोई चीज़ परचेज नहीं करने वाले। आज हमारी वीडियो रहने वाली है टैटू के ऊपर। तो गाइस मेरे राइट हैंड पे एक टैटू है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। उसको आज हम करवाने वाले हैं कवर, क्योंकि वो मैंने टैटू जो है वो जैसे मेले वगैरह होते हैं, लोकल मेले जहाँ भी लगते हैं उसमें मैंने उसको छपवाया था। तो उसमें बहुत ही मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उस पर एक बार जो है वो करा लिया था, क्या बोलते हैं उसको, लेजर से मिटवाने की कोशिश की। फिर वो ढंग से मिटा नहीं, मैंने उस पर हरिद्वार गया, फिर दोबारा मैंने उस पर प्रिंट करा दिया, कुछ माँ वगैरह लिखवा दिया था। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगना है, क्योंकि उस पर लेजर भी हो गई है और दो तीन बार प्रिंट भी हो गया, तो अब वो बहुत ही भद्दा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो आज उसको कवर करवाएंगे, जाएंगे हम ज्वाला एडी में, एक शॉप है, टैटू आर्टिस्ट है गौरव भाई के नाम से है। तो देखते हैं उसके पास जाके कैसे कुछ वो टैटू कवर करेगा, कैसे कुछ नहीं। तो मैं भी आपको अपने हाथ पे दिखाता हूँ। तो ये है वो टैटू, तो देख लीजिए काफ़ी ख़राब हालत इसकी हो रखी है। तो ये मैंने लिखवा रखा है वी, बीच में दिल है और इसमें पीछे लिखा हुआ है माँ। तो वी से मेरा नाम आता है विजय गाइस। तो इसको मैंने, ये जो आप आगे देख रहे हो ना, ये वाले स्टार बने हुए थे, बट मैंने इसको लेजर से जब मिटवाया था तो ये ढंग से मिट नहीं पाए, तो मैंने इस पर दोबारा हरिद्वार में जाके ये लिखवा दिया था। तो ये अब ये बहुत ही भद्दा लग रहा है, तो आज इसको कराते हैं, देखते हैं कैसा कुछ वो कवर करता है, कितना कुछ कॉस्ट आती है। तो सारी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइस, क्योंकि मैं आज पहली बार आपके लिए एक नॉर्मल वीडियो ला रहा हूँ, वरना मैं मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो ही डालता हूँ। तो चलती है, देखते हैं कैसे कुछ शॉप पे जाके। तो गाइस शॉप पे हम आ चुके हैं। तो ये है बैरा इनक्ले से, जब आप आओगे पश्चिम विहार ज्वाला एडी की तरफ, तो ज्वाला एडी मतलब पश्चिम विहार, मेन पश्चिम विहार में है ये, ज्वाला एडी मार्केट से थोड़ा सा आगे आके। तो चलते हैं अंदर। तो भाई फ़िलहाल हम अंदर आ गए हैं और हमने टैटू जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस ये है कुछ चील का फेस है ये, तो भैया ने बोला कि ये डार्क है थोड़ा सा, इससे सही कवर हो जाएगा आपके हाथ पे। तो एक बार भैया हाथ का भी एक बार साइज जो है वो लेंगे, तो क्योंकि उसको प्रॉपर कवर करना है। तो ये भैया ने जो है प्रिंट जो है निकाल दिया है और अब इसको होता है प्रोसेस चालू, हाथ पे फिल कर। तो अपने जो टैटू छापने का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट। तो ये भैया निकाल रहे हैं ब्रांड न्यू सुई, ये सुई हमें लगाई जाएगी। तो आज इसको बढ़िया से बिल्कुल इसकी शक्ल चेंज कर देनी है भैया। तो ये जो भैया हैं हमारे, ये इसकी डेट एक्सपायरी जो है वो चेक करा रहे हैं, और आज अपना काम जो है ये भैया करने वाले हैं। तो इनका नाम है, ये है ढिल्लू, तो टी शर्ट पे ब्रांड लिखवा रखा है ढिल्लू भाई ने, जैसा कि। तो फ़िलहाल भैया ने जो कर दिया है काम स्टार्ट, तो अभी इसको बढ़िया से हाथ को जो है वो इस पे से हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो क्लीन कर रहे हैं भैया अच्छे से, ताकि टैटू जो है वो प्रिंट करते वक्त कोई भी हेयर जो है बीच में ना आए। तो जहाँ कहीं भी आप टैटू छपवाओगे किसी भी शरीर के पार्ट्स पे, तो वहाँ से जो है हेयर जो है वो रिमूव कर लिए जाते हैं पहले अच्छे से। उसके बाद ये जो भैया लगा रहे हैं ये होती है जेल, मैंने भैया से, डिलो भैया से पूछा तो ये बता रहे थे कि ये जेल होती है। तो इससे हल्का फुल्का जहाँ पे ये लगाते हैं तो 19-20 जो है वो वहाँ से उस एरिए को सुन भी कर देता है कुछ हद तक, ताकि आपको टैटू छापते वक्त ज़्यादा दर्द ना हो। तो इससे तो मेरा हाथ और भी गोरा लगने लगा है। तो अब जो है इसको, इस पे जो प्रिंट भैया ने जो निकाला था कंप्यूटर में से, उसको चिपका दिया है। तो अभी जैसे इसको छुड़ाएंगे ये अपना प्रिंट वहाँ पे छोड़ देगा, जिससे कि इसके ऊपर ऐसे कैसे इनको प्रिंट करने में आसान होता है। तो देख लो सेम बिल्कुल यहाँ पे जो चील का मुंह है वो आ गया है, मतलब मेरे हाथ पे प्रिंट हो गया है। अब जो भैया करेंगे अपनी मशीन को चालू, और ये अब सुई लगाने वाले हमको,
गाइस एक चीज़ आप टैटू बनाने से पहले सोच के आना कि टैटू बनाने में कोई आपको ये नहीं है कि आपको हाथ आपने दिखाया और सामने टैटू बन गया। गाइस इसको छापने के लिए आप में जिगरा भी होना चाहिए, क्योंकि जो ये आप सुई देख रहे हो ना, ये आपकी स्किन में घुसती है और स्किन को हल्का हल्का हटा देती है उस जगह से। मतलब ये लगा लो कि स्किन के जो अंदर है ना, वहाँ ये शाही जाके अपना रुक जाती है जब टैटू परमानेंट होता है। तो गाइस कोई भी आप अगर स्किन के ऊपर पेन चलाते हो तो वो कभी भी आपका टिकाऊ नहीं होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। तो भाइयों देख लो, ये टैटू छाप तो रहा है, बट अभी जो मेरा हाल हो रखा है ना, वो मुझे ही पता है कि क्या हाल हो रखा है। क्योंकि गाइस ये जो होते हैं ना, ये सुई आपकी स्किन को हटाती जाती है और ये जो शाही होती है ये आपकी स्किन के अंदर जो है वो फिल होती जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक इसमें दर्द जो है वो आपको सहना पड़ेगा जब जाके आपका टैटू छपवाने का सपना पूरा होगा। तो ये जो आगे आपको छोटी सुई दिख रही है ना, ये आपकी स्किन को फाड़ती है, देसी भाषा में अगर आप सुनना चाहते हो तो। बट गाइस वही है, शौक बड़ी चीज़ होती है, जिस किसी को कराना होता है वो पूरी बॉडी पे टैटू छुपा के रखते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसका लास्ट रिजल्ट देखने के लिए बहुत ही बेताब हूँ कि कैसा कुछ रिजल्ट आएगा इसका लास्ट में। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो भाई फाइनली अपना टैटू जो है वो हो गया है रेडी, देख लो। और टैटू जो बनाया आपने, ले लो भाई, ये अपनी शॉप जो पड़ेगी, ये पड़ेगी अपनी ज्वाला एडी मार्केट से थोड़ा आगे आके, जीडीवी स्कूल है उसके आगे आके पड़ेगी। तो यहाँ के जो ओनर है वो गौरव भाई है, वो मिलेंगे आपको यहाँ पे। भाई जिस किसी को भी आना है आपको ढीलो भाई मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो अब चलते हैं अपना, और घर पे किसी को नहीं पता है कि मैं टैटू छपवा आया हूँ, आप सरप्राइज देते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन करते हैं।